पॉजिटिव हो गए हैं। यह बड़ी खबर, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव। अनिल विज ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और संपर्क में आने वालों से भी जांच कराने की अपील उन्होंने की है। आपको बता दें कि तीसरे ट्रायल पर अनिल विज ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी और उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही संपर्क में आने वाले लोगों से भी उन्होंने जांच कराने की अपील की है। दरअसल महत्वपूर्ण इसलिए भी है अनिल विज का कोरोना पॉजिटिव होना, क्योंकि तीसरे ट्रायल पर जो कोरोना की वैक्सीन है उसका जो तीसरा ट्रायल है उसमें अनिल विज ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन है वो जारी कर दी जाएगी और वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, इसके संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और वहीं जो तीसरा ट्रायल जिसका हिस्सा अनिल विज बने, उन्होंने वॉलंटियर के तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगाई, क्या उसका असर नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ। आपको बता दें कि अनिल विज ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। नवंबर में कोरोना की वैक्सीन अनिल विज ने लगवाई थी एक वॉलंटियर के तौर पर, तीसरे ट्रायल में कोरोना की वैक्सीन जिसका हिस्सा बने थे अनिल विज। और वहीं अब बड़ी खबर ये कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।